गुड इवनिंग सर। सर आज कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, लगता मेरी आवाज नहीं। सर ने अभी माइक कनेक्ट नहीं किया है। हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है अभी मेरी सबको? बोलना भी एक बार। यस सर। यस सर। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं जरा। आज इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, जल्दी से बताओ भाई। सर आप आज पहले वो बता सकते कौन कौन से चैप्टर करवा दिए हैं रीजनिंग में? कि बहुत टाइम बाद मेरी क्लास हो रही है शायद ये। बहुत टाइम बाद कौन बोल रहा है? पहले आप नाम बताओ। सर मैं राम। अच्छा, अरे बड़े दिनों बाद आ रहे हो भाई क्लास में, कहाँ गायब थे? सर मैथ की क्लास में नहीं आता ना। अच्छा, मैं पता लग जाए चैप्टर का। चैप्टर ज्यादा नहीं हुए अभी रीजनिंग में, कौन कौन से हुए भाई चैप्टर एक बार बताना। डायरेक्शन हो गया, बताना भी कौन कौन से हुए। सर रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर रखा है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया है और अल्फाबेट सीरीज एक ही है ये, और ये ब्लड रिलेशन अभी हम कर रहे हैं। इतने टॉपिक हो गए हैं अभी हमारे, ठीक है भाई। चलो भाई लास्ट बताओ क्या कर रहे थे। ब्लड रिलेशन नहीं कर रहे थे हम, ब्लड रिलेशन में लास्ट क्या था एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से। ब्लड रिलेशन में लास्ट क्या वाला किया था? कौन सा? ट्री वाला। अच्छा ट्री, फैमिली ट्री, ठीक है ठीक है। हाँ भाई तो चलो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। अब थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा बचा नहीं है।
याद आ रही है वीडियो, आप बताना जरा, नेट चला गया था भाई बीच में। यस सर। ठीक है भाई। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। देखो आपको मैंने फैमिली ट्री बताया था, जरा ध्यान से समझना जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ये फैमिली ट्री जो बताया था, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, ये होता है दादा दादी नाना नानी, ध्यान रखना। मतलब हमसे जो बड़े बड़े होंगे वो हमसे ऊपर ऊपर रहेंगे। जैसे दादा सबसे बड़े हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ट्री उनका है, मतलब ट्री का पार्ट, फिर फादर फादर मदर, फिर सन डॉटर, ऐसे तो आपको पता ही है। और दो तीन चीजें और बताई थी कि अगर मेल हो, अगर आपको पता है कि वो लड़का मेल है तो आप उसको जो भी है मेल है तो प्लस में लगाओगे, अगर फीमेल है तो उसको माइनस लगाओगे, और अगर मैरिड है दोनों, मतलब अगर शादीशुदा है तो उसको ना ऐसा एरो लगा देना दोनों तरफ, ताकि जब पता चल जाएगा कि एक मैरिड है, हमें वो पता चल जाएगा क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है भाई, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं जरा। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए भी थे आपको, बाकी अब मैं क्वेश्चंस और कराता हूँ इसके आपको, ताकि हम आगे चल सके इसमें। ठीक है भाई। और ट्री आपको बनाना सिखाया था मैंने, एक बार दोबारा बता दूंगा कैसे क्वेश्चन करा जाता है, ये सब आपको लिखवा लिया था मैंने, तो अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, चलो भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से लिखना क्वेश्चन, यहां लिख रहा हूं कर बनाना जरा इसको। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए और बी दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स ए का भाई है। देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, तो वाई का संबंध बी से क्या होगा, तो वाई का संबंध बी से क्या होगा। बनाओ एक बार क्वेश्चन करो भाई, एक बार क्वेश्चन करो, इसका ट्री बनाओ भाई सारे। इसमें डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ए और बी का जो है ना वो हमें जेंडर नहीं दे रखा, जेंडर नहीं दे रखा, मगर मैंने क्वेश्चन पढ़ो पहले, मैंने किसका रिश्ता पूछा है सर? आपने वाई और बी का पूछा है सर, ए और बी मैंने पूछा है कि हाँ वाई का संबंध बी से बताओ। हाँ तो सर ए और बी कपल है तो ए और बी में से एक एक फीमेल होगी एक मेल होगा। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि वाई क्या लगा बी का, आप बी नहीं बता सकते सर। देवर ब्रदर इन लॉ, देवर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर यस सर। देखते हैं भाई, देखो भाई कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से। ए एंड बी आर मैरिड कपल, जो पहली बात करिए कि ए और बी दोनों शादीशुदा हैं, तो इसको ऐसे बना लेना ए और बी, मगर आपको नहीं पता कि इसमें से लड़का कौन है लड़की कौन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ के और यहाँ पे ना दो एरो लगा देना, ताकि ये पता चल जाएगा दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो एक्स और वाई को अलग से बना दो। अब आपको पता है दोनों भाई हैं इसलिए दोनों के ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है वो दोनों भाई हैं और वो दोनों शादीशुदा है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब आपको नहीं, मगर इसमें ये नहीं पता हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है। अब इसने एक और चीज बोली है कि जो एक्स है वो ए का भाई है, ध्यान से देखना, ये जो एक्स है वो ए का भाई है, ठीक है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, ये एक्स जो है ए का भाई है। देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, तो जो ये वाई है ये इसका क्या लगा, बताओ क्या लगा भाई। इसने वाई के बारे में पूछा और वाई आपको पता है लड़का है, बोलो। अगर अगर मान लो सर देवर लगेगा या तो भाई लगेगा क्या है फिर, है ना, या तो देवर लगेगा या साला या लगेगा, तो भाई कैसे लगेगा, दोनों ही केस में ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे, साला लगेगा, दोनों के केस में ब्रदर इन लॉ लगेगा सर, देवर या साला। हाँ या तो देवर लगेगा उसका या साला लगेगा, तो देवर या जेठ या साला लगेगा, तो इंग्लिश में तो दोनों को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो ब्रदर इन लॉ आंसर आएगा, क्योंकि ये जो दोनों भाई है ना ये ए के हैं, मतलब ये एक्स जो है अगर ए का भाई है तो वाई भी ए का ही भाई है, तो ये भाई तो ए के है, मगर बी से रिश्ता पूछा गया ना, ये वाई जो है बी का क्या लगा, तो बी का या तो देवर लगेगा, अगर लड़की हुई तो देवर जेठ लग जाएगा, अगर लड़का होगा तो साला लगेगा। सर ये तो इंग्लिश में आंसर आ गया, जो हिंदी वाला स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? देखो हिंदी में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो एक ऑप्शन साले का देगा, ठीक है,
या एक ऑप्शन देवर जेठ का देगा, मतलब दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। हिंदी में फंसाएगा नहीं आपको वो क्वेश्चन में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन दे, क्योंकि दोनों यहाँ पर आंसर दोनों ही बन रहे हैं, चेक करो, साला भी बन रहा है देवर जेठ भी बन रहा है, तो ऑप्शन दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश में देखो, अगर वो मान लो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ देता है, समझना जरा। अब एक बात बताओ, जो इंग्लिश में ऑप्शन होंगे वही हिंदी में होंगे नहीं होंगे, ये बताओ पहले मुझे। अब वो ऐसे लिख के देगा आपको, जैसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ लिख दिया, फिर लिख देगा सन इन लॉ मान लो, फिर लिख देगा एक ऑप्शन ब्रदर, और एक ऑप्शन लिख देगा डॉटर। अब जब हिंदी में ऑप्शन देगा तो पहला ऑप्शन ब्रदर इन लॉ है, तो वो यहाँ पर लिखेगा या तो सारा लिखेगा या देवर या जेठ लिखेगा, एक लिखेगा। सेकंड ऑप्शन वो सनी लो के हिसाब से तो देगा, दामाद वगैरह। थर्ड ऑप्शन इसके भाई दे देगा, और चौथा ऑप्शन बेटी दे देगा। तो मतलब ऑप्शन तो उसके हिसाब से बनेंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई क्लियर है? Yes, करें आगे। चलो भाई आगे चलते हैं, और क्वेश्चन करके देखो। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर आजकल ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, लिखो। देर आर सिक्स चिल्ड्रन, हिंदी में भी लिखते जाना, छह बच्चे हैं, ठीक है। देर आर सिक्स चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, छह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ध्यान से देखना। छह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका नाम है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, और ई और एफ, ठीक है। आगे बोलता है कि ए एंड बी, ए एंड ई आर ब्रदर्स, कि ए और बी तो दोनों भाई हैं। आगे बोलता है एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ ई की बहन है। आगे है सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ए जो है इकलौता बेटा है ए के अंकल का, ए का कोई अंकल है, चाचा वगैरह मान लेना। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ, बी एंड डी आर द डॉटर ऑफ, डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, कि जो बी और डी है वो दोनों बेटियां हैं किसकी, सी के जो पापा है उसके भाई की, सी के जो पापा है उसकी भाई की दोनों बेटी हैं बी और डी। अब आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी का संबंध एफ से बताओ, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर, कितने मेल प्लेयर्स हैं। थर्ड है हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स, कितने फीमेल प्लेयर्स हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का संबंध ए से बताओ। चलो भी करो एक बार इसका ट्री बनाओ, ट्री बनाने के बाद ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्री ध्यान से बनाना भाई, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे सब चीज बनाते जाना। अभी हो गया किसी का बना,
अभी आए आंसर बोलो, सिर्फ उस लास्ट वाला रह गया। करो करो सर। बोलो बोलो। फर्स्ट का ब्रदर, सेकंड का फाइव, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का सिस्टर। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या बोला है, जरा ध्यान से आप देखो। ट्री बनाते हैं, एक बार ट्री बन जाएगा ना फिर तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज बोली है कि देयर आर सिक्स चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, तो छह बच्चे दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, छह बच्चे हैं। पहली लाइन बोली है कि पहली लाइन से पता चल गया कि ए और ई दोनों भाई हैं, तो सीधा सीधा एक डब्बा मतलब ऐसे बना लेना, ए और ई दोनों भाई हैं, तो इसको प्लस कर लेना, दोनों को दोनों भाई हैं इसलिए प्लस कर दिया मैंने। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, ये भी बता दिया इसने, एफ जो है वो ई की बहन है, सिस्टर मतलब लाइन में आएंगे सारे ही, ठीक है। अगर पापा मम्मी होते तो वो ऊपर वाले उसमें आ जाते हैं, भाई बहन है तो एक ही लाइन में रहेंगे। अब आपको पता है अगर एफ ई की बहन है तो मतलब ए की भी बहन होगी, क्योंकि ए और ई तो दोनों भाई है। आगे क्या बोला है, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, अब ए का कोई अंकल है, अंकल है मतलब बड़ा है, तो ए का अंकल यहां बना देते हैं, ये ए का अंकल है, अंकल है मतलब प्लस लगा देते हैं इधर, और सी जो है इनका इकलौता बेटा है, ये सी नीचे बना देते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, बताओ भी एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे क्या बोला है इसने कि डी बी और डी जो है वो किसकी, असीज द ओनली सन मतलब ये प्लस बेटा है, इसलिए प्लस लगा देते हैं, कि मुझे ये मिटाना पड़ेगा अभी क्योंकि जगह नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं, अगर मुझे क्वेश्चन बता देना क्या है, कि आपने लिख रखा तो है। चलो आगे क्या बोलता है कि बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर, सी के पापा, एक बताया इसने सी के पापा है, सी के पापा का भाई, सी के पापा का भाई है, उसकी दो बेटी है, दो बेटी है सी के पापा के बेटी, इसकी तो दो बेटी हो गई, ये बी और कौन है, बी और डी, एक ये बना लेते हैं और एक ये बना लेते हैं। अच्छा एक और चीज ये बताओ मुझे कि जो सी के वो है क्या कहते हैं, सी के ये तो फादर हो गए ना, ये जो बी यहां पर ये बताना, ये जो सी इसके सी के जो पापा का भाई है, सी के पापा का भाई ये लगेगा या अलग कोई और होगा बताओ। सर यही लगेगा। पक्का? यहां पढ़ो, देखो सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, सी जो है इकलौता बेटा है ए के अंकल का, समझ रहे हो, इकलौता, इकलौता का मतलब समझते हो। यस सर। तो मतलब उसका कोई भाई बहन नहीं है, भाई बहन कुछ भी नहीं है, तो बी बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ सी के पापा का भाई, मतलब सी के पापा का कोई एक और भाई है, उनकी दोनों बेटी हैं, ये भी हो, ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। यस सर। अब पहला क्वेश्चन क्या था बताना, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी रिलेटेड टू एफ, तो सी रिलेटेड टू एफ बताओ भाई क्या लग रहा है, बोलो भाई। कजन, कजन सी एफ का क्या लग रहा है, लड़का है ना सी, Yes, sir. इसका मतलब सी इसका कजन लगेगा, और कजन ब्रदर कजन सिस्टर कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखना, आपको बता रखा है मैंने, कजन होता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर, कितने मेल प्लेयर्स हैं, तो मेल प्लेयर्स कितने हैं देखना भाई, ए ई और सी, तो मतलब थ्री है टोटल। फीमेल प्लेयर्स कितने हैं चेक करो, अच्छा मेल में अंकल इनको मत काउंट करना, फादर कभी अंकल को काउंट करने लग जाओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रहा है, मैं दिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी मेल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स तो टोटल ये ए बी सी डी ई एफ है, इनमें से ही बताना है, तभी आप ये फादर अंकल को भी जोड़ लो, ये नहीं खेल रहे। ओके सर। आगे हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स, तो फीमेल प्लेयर्स बताओ भी कितने हैं, तीन, 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 ये भी है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू, किससे पूछा बताना भाई सर, ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, दिख रहा है ये भी क्या है बताओ, डी रिलेटेड टू ए कजन, कजन बोल सकते हैं,
मगर अगर पता यहाँ पर ये बोल देता, वैसे तो कजन ही आएगा, अगर डी रिलेटेड टू है तो कजन ही आएगा। ठीक है चलो, क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस ठीक है। आज का पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बन रहा है। तो एक वो आपको पूरी एक वो दे देगा, इक्वेशन दे देगा, उसके ऊपर दो से तीन क्वेश्चन दे देगा आपको, और आजकल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं को जरा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि वो आसान आसान वाला पार्ट ना खत्म हो गया है आपके डेट में। सर ऐसा क्वेश्चन एक और करवाना? हाँ दे रहा हूँ, एक मिनट दे रहा हूँ, अगला एक और दे रहा हूँ। चलो देखो एक क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखना। अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ, एक पार्टी है, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ, इस पार्टी में ग्रैंड मदर, एक ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है, फोर सन्स हैं, चार बेटे हैं, और उनकी वाइफ है, एंड देयर वाइफ, और उनकी वाइफ है, एंड वन सन, और एक बेटा है, एंड टू डॉटर्स, एंड टू डॉटर्स ऑफ, टू डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन्स, और दो बेटर है, दो बेटियां हैं हर एक बेटे की, तो हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, तो कितनी फीमेल है टोटल परिवार में, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, करो भी। सर पहले फोर सन स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है? वन सन भी है, तो 14। अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, एक दादी है। अच्छा एक मिनट, ये कट गई क्या स्क्रीन? लो भाई, दादी है, पापा है, मम्मी है, चार बेटे हैं, उनकी वाइफ है, और एक बेटा है, और हर एक बेटे की दो बेटियां हैं। सर 14। 14 बहुत बढ़िया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान दिख रहा है, साफ साफ आंसर आपको। हो गया भाई बताओ? 16 आ रहे सर। 16 कैसे? एक ग्रैंड मदर है, एक मदर है, एक चार सन्स है, और उनकी वाइफ्स हैं, तो चार वो होगी, टोटल होगी कि 6 प्लस उसके बाद हर एक सन की दो बेटियां, तो यहाँ पर सन लिखे हैं 4 सन्स, तो उनकी दो दो बेटियां 8 हो गई। और एक यहाँ पर मुझे यहाँ कंफ्यूजन है कि वन सन और लिखे ये वन सन तो अलग है, वो अलग बात कर रहा है, एक बेटा है, मगर जो चार सन है यहाँ पर कितनी 14 आएगा आंसर। कैसे देखो, एक ग्रैंड मदर है, मतलब एक फीमेल ये हो गई, प्लस एक मदर है, एक फीमेल ये हो गई, चार बेटे हैं, उनकी वाइफ है, मतलब चार बेटों की एक की एक ही वाइफ होगी, तो चार की चार वाइफ होंगी, चार हो गया। और बोला है हर एक बेटे के पास दो बेटियां होंगी, टोटल चार बेटे हैं, तो चार बेटे के हिसाब से दो बेटियां तो 8 हो गई, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 2 14, इसका मतलब 14 बेटियां होंगी, 14 फीमेल होंगी फैमिली में। क्लियर है सबको? बोलो जल्दी। यस सर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फिर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करना जरा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखना भाई क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, एक परिवार में 6 सदस्य हैं,
इन अ फैमिली ऑफ सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। आगे लिखा है देयर आर टू मैरिड कपल्स, जिसमें दो शादीशुदा जोड़े हैं। देयर आर टू मैरिड कपल्स, दो शादीशुदा जोड़े हैं। आगे लिखना डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी जो है ए की दादी है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी ए की दादी है। एंड मदर ऑफ बी, एंड मदर ऑफ बी, और बी की माता है, ठीक है। आगे सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी जो है बी की वाइफ है। एंड मदर ऑफ एफ, और एफ की माता है, एफ की माता है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है ई की पोती है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है ई की पोती है। तो पहला क्वेश्चन लिखो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का संबंध बताओ ए से, सी का संबंध बताओ ए से, पहला क्वेश्चन। सेकंड है हाउ मैनी फीमेल, एक मिनट, हाउ मैनी मेल लिखना, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर, कितने मेल सदस्य हैं। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कपल, इज वन ऑफ द कपल मेंबर्स, इज वन ऑफ द कपल्स, इनमें से कौन सा कपल है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला सी डी, दूसरा ऑप्शन डी ई, चौथा ऑप्शन ई बी, और तीसरा ऑप्शन ई बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। करो भी क्वेश्चन बनाओ। सी ए की माँ है, डी ए की माँ है, सी, अच्छा डी ए की दादी है, दादी दादी, डी ए की दादी है और बी की माता है। सर आंसर है फर्स्ट का कि सी ए की मदर है, सी ए की मदर है। चलो देखते हैं जी। और सर सेकंड का आंसर सेकंड है, एंड थर्ड का आंसर भी सेकंड है, डी और ई। अच्छा यस, सही हो सकता है। हो गया भाई सबका, कराऊं इसको? चलो देखते हैं, करते हैं। देखो देयर आर सिक्स फैमिली मेंबर्स है, ए बी सी डी ई एफ बता रखा है, दो मैरिड कपल है ये हमें पता है। पहली चीज बोली है कि इसने डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी जो है ए की दादी है। तो मैं काम करता हूँ ए को यहां बना लेता हूँ, डी को ऊपर बनाता हूँ सबसे, क्योंकि दादी है तो एक पीढ़ी छोड़कर होगी हम, तो डी ए की दादी है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आगे बता रहे मदर ऑफ बी, डी जो है ए की तो दादी है मगर बी की मदर है, इसका मतलब बीच में मदर, बीच में बी होगी। डी जो है बी की मदर है और ए की दादी है, मगर अभी आपको बी और ए के बारे में पता नहीं चला, ठीक है। अगली चीज क्या बोलता है, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ है, तो बी ये रहा, सी को इसकी वाइफ बना देते हैं। इसका मतलब अगर सी बी की वाइफ है तो बी कौन है बताओ, मेल, मेल है, मेल है। इसका मतलब वो हस्बैंड है, ऑब्वियस बात है, एक अगर फीमेल है तो एक एक मेल ही होता है, ठीक है ना। तो बोला क्या, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड मदर ऑफ एफ, सी जो है बी की वाइफ है और एफ की मदर है, तो एफ नीचे आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। आगे बोला है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है ई की ग्रैंड डॉटर है, तो ई की ग्रैंड डॉटर मतलब क्या है, ई ऊपर आएगा।
अब ई की ग्रैंड डॉटर है और आपको पता है कि भाई ये दादी है, तो ये कौन होगा बताना एक बार? दादा, ग्रैंड दादा होंगे, प्लस क्योंकि ये एफ जो है इनकी दादी है, मतलब एफ जो है इसकी ग्रैंड डॉटर मतलब बेटी है ई की। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। लो भाई अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी का संबंध बताओ ए से, बताओ भाई सी ए का क्या, ए की क्या लग रही है मदर, साफ साफ दिख रहा है मदर लग रही है। लो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है ये मदर है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, कोई बता सकता है? टू नहीं तो कर रहा है, लेकिन ए का जो है ना हमें पता नहीं कर रहा है, ए का जेंडर पता नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो कि भाई आपको पूछा है मेल मेंबर्स कितने हैं और एक का जेंडर हमें नहीं पता, तो इसका आंसर आप लगा क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। अगर ए के बारे में पता होता तो भाई हम बता सकते थे, साफ साफ दिख रहा था कि भाई दो मेल है, मगर हमें क्या पता भाई ए ए हो सकता है मेल हो और ए हो सकता है फीमेल हो, तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे कांट बी डिटरमाइन। अब थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द कपल्स, इनमें से कौन सा कपल है, तो चेक करो क्या सी डी कपल है, नहीं नो सर, क्या डी कपल है, हाँ भाई डी कपल है, इसका मतलब यहाँ हाँ, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई क्लियर है, बोलो यस सर, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेट इश्यू सबका ही हो रहा है, सोनम का हो रहा है बस? नहीं सर ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं, मेरी आवाज तो कट कट के नहीं आ रही ना आपको? नो सर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं भाई। डीएसएसबी वाले हंगामा करने वाले हैं, आप भी जरा रेडी हो जाओ, आप भी अगर अपना पेपर जल्दी कराना चाहते हो तो आप लोग भी जरा हंगामा करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि डीएसएसबी के बच्चे रेडी हो रहे हैं, 22 तारीख के बाद हंगामा होगा, क्योंकि जो पुराने एग्जाम है जिनका रह गया कुछ ना कुछ, वो हंगामा करेंगे एग्जाम लेने के लिए, तो अगर उनके साथ आप भी शामिल हो जाते हो और भीड़ ले जाते हो डीएसएसबी के वहां पर, तो भाई आपका भी पेपर जल्दी हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो भाई अपडेट है कब तक निकलेंगे? देखो डीएसएसबी ने जारी तो किया है, मतलब जहां तक बात आई है जारी नहीं, मतलब जो वैकेंसी है वो खाली तो है, डीएसएसबी ने ये बता भी दिया है, अब कभी भी डाल सकता है, कुछ नहीं कह सकते, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी डालेगा, बहुत जल्दी डालेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वैसे तो दिल्ली में प्रॉब्लम चल ही रही है। देखो एमसीडी में तो शायद, एमसीडी में तो वैसे सैलरी नहीं मिली लोगों को, एमसीडी में तो वैकेंसी पता नहीं भाई देंगे नहीं देंगे, बाकी का पता नहीं भाई, हो सकता है जल्दी डालेंगे, क्योंकि एमसीडी में सैलरी नहीं मिल रही है लोगों को 6-6 महीने से। यस सर, बहुत बुरा हाल है अभी। देखना भाई लिखा क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, एक परिवार जिसमें से 6 सदस्य हैं, टी क्यू आर एक्स वाई और जेड, 6 सदस्य हैं ये, Q is the son of R, पहली लाइन लिखना, Q is the son of R, Q जो है R का बेटा है, but R is not mother of Q, but R जो है वो Q की माता नहीं है, R जो है, Q जो है R का बेटा है, मगर R जो है उसकी माता नहीं है, Q की माता नहीं है, आगे लिखना, P and R are married couples. P और R दोनों शादीशुदा हैं. P and R are married couples. P और R दोनों शादीशुदा हैं. Y is the brother of R. Y जो है R का भाई है. X is the daughter of P. X is the daughter of P. X जो है P की बेटी है. और Z is the brother of P. Z is the brother of P. और Z P का भाई है. ठीक है, ये हमारा हो गया. आप क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Who is
ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, साला या देवर की बात कर रहा है, लड़की होगा तो देवर बोलेगा, लड़का होगा तो साला बोलेगा, तो वो देख लेना भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ क्यू, क्यू का पिता कौन होगा, क्यू का पिता कौन होगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज बी है, चिल्ड्रन डज बी पी है, बी पी के कितने बच्चे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, क्यू का संबंध बताओ एक्स से, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स। करो भाई क्वेश्चन, बनाओ इसका फैमिली ट्री एक बार, देखो क्या आंसर आता है। सर हो गया, फर्स्ट का आंसर है हाँ जी, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर जेड है, हु इज फादर ऑफ एक्स आर है, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डज, हाँ फादर ऑफ क्यू आर है, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डज बी हैव, तो टू चिल्ड्रन, एंड हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, तो वो है ब्रदर, आप मतलब क्यू एक्स का ब्रदर है। ओके बहुत बढ़िया, करो भी बाकी जल्दी से फटाफट, एक में तो आंसर दे दिया, बाकी लोग भी लो जल्दी से। सर डन डन, बहुत बढ़िया, चलो एक बार करते हैं, जरा मैं कराता हूँ क्वेश्चन फिर देखते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर, एक परिवार जिसमें छह सदस्य दे ही रखा है, क्यू इज द सन ऑफ आर, तो क्यू जो है आर का बेटा है, तो इसको बना लो भाई, आर का बेटा कौन है, क्यू है, तो यहाँ प्लस लगा देना क्यू के ऊपर, क्यू का बेटा आर का बेटा क्यू है, मगर बोला आर मदर नहीं है, तो अगर आर मदर नहीं है तो क्या होगी बताओ भाई, फादर, फादर होंगे, मतलब प्लस लगा देना यहाँ पर। पी एंड आर आर मैरिड कपल, तो बोला पी और आर दोनों शादीशुदा है, तो भाई पी और आर शादीशुदा है, इसका मतलब अगर पी पी तो मेल है, तो पी सॉरी आर तो मेल है, तो पी क्या होगा, फीमेल, तो माइनस लगा देते हैं इधर। Y is the brother of R, Y जो है R का भाई है, तो इसको इधर बना लेना Y को, ठीक है, और इसके आगे प्लस लगा देना, हमें पता चल जाएगा Y जो है ये R का भाई है। X is the daughter of P, X जो है P की बेटी है, तो नीचे बना देते हैं इसको, X जो है वो P की बेटी है, ठीक है, और Z is the brother of P, Z जो है P का भाई है, लो भाई ये बन गया हमारा यहाँ पर। अब देखो साफ साफ दिख रहा है हमें कौन सा रिश्ता किसके साथ क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ, आर का ब्रदर इन लॉ मतलब वाइफ का, क्योंकि आर तो लड़का है, वाइफ का भाई कौन है भाई बताओ, वाइफ का भाई जेड, कौन है जेड, जेड आएगा ना आंसर, पी का, ये पी का भाई है ना, तो आर का ब्रदर इन लॉ जेड लगा। अगला है, क्यू का फादर कौन है बताओ भाई, कौन दिख रहा है, फिर आर, आर आर, बहुत बढ़िया, बोला है हाउ मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिड बी है, बी के कितने बेटे हैं, बच्चे हैं, मतलब दो, दो हैं, ये मत बोलना सिर्फ एक्स है भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों भाई बहन ही तो हुए, इसका मतलब पी के जो है दो बेटे बच्चे हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, क्यू का संबंध बताओ एक्स से, क्यू एक्स का क्या लग रहा है, ब्रदर, भाई, ब्रदर, भाई लग रहा है, सगा भाई है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये ब्रदर आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई, ठीक है, सबको बोलो भाई, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक होमवर्क है आपका, घर से करना है इसको, देखते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल तो नहीं है, आसान है, कर लोगे आप, मगर थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, चलो भाई लिखना जरा क्वेश्चन। There is a family of six members. There is a family of six members. एक परिवार जिसमें छह सदस्य हैं। A, B, C,
डी ई एंड एम, ए बी सी डी ई एफ एन जो सदस्य हैं, और इसमें बोला है दे आर लॉयर, और वह एक लॉयर है, डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है इसमें से, टीचर भी है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बीच में हो रही थी। एक मिनट भाई, जरा करता हूँ कुछ इसका। हाँ, अब आ रही है क्या आवाज? सही बताना। यस सर। ठीक है भाई, लिखो। देयर आर लॉयर, एक लॉयर है, एक टीचर डॉक्टर है, टीचर है, एक सेल्समैन है, इंजीनियर है और अकाउंटेंट है। ठीक है, अब आगे बोला है देयर आर टू मैरिड कपल्स, दो शादीशुदा कपल है, दो शादीशुदा कपल हैं इसमें। ठीक है, डी इज द सेल्समैन, डी जो है सेल्समैन है, द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। डी सेल्समैन है और उसकी शादी एक लेडी टीचर से हुई है। आगे द डॉक्टर, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। आगे इधर लिख रहा हूं भाई, आगे एफ इज द अकाउंटेंट, एफ अकाउंटेंट है, इज द सन ऑफ बी और बी का बेटा है, एंड ब्रदर ऑफ ई और ई का भाई है, एंड ब्रदर ऑफ ई और ई का भाई है। सी, सी इज द लॉयर, सी इज द लॉयर, लॉयर एंड डॉटर इन लॉ ऑफ ए, सी जो है लॉयर है और ए की बहू है। आगे ई इज द अनमैरिड इंजीनियर, ई की शादी नहीं हुई है और वो एक इंजीनियर है, ई इज द अनमैरिड इंजीनियर। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए जो है एफ की दादी है। अब पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई का संबंध बताओ एफ से, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का संबंध बताना है एफ से। करो भाई ये क्वेश्चन, क्या लिख लो इसको, होमवर्क है आपके लिए वाला क्वेश्चन। देखो छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देख लो एक बार, छोटा सा है ना भाई बिल्कुल। यस सर। हाँ तो कर लेना फिर, तो लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो तो बताना फिर आगे चलेंगे।
करो भाई जरा ये हो, लिख लिया भाई बता देना, लिख लो तो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे। सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट इज द, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन, लास्ट में एफ लिखा हुआ है ना, हाउ इज हाउ बी, हां डी रिलेटेड टू एफ, डी का संबंध एफ से क्या होगा, सर हो गया क्वेश्चन, हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये होमवर्क है आपका, करना है इसको। चलो भैया क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन ना एक पेपर में आया था, एक पेपर हुआ था सीबीआई का कोई एग्जाम था 1984 में, एक पेपर हुआ था ये। अब सोचो 1984 में पेपर हुआ होगा तो कैसा आया होगा क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं लक्ष्मी एंड मीना, लक्ष्मी एंड मीना आर रोहन्स वाइफ, वाइफ लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं। आगे लिखना शालिनी इज मीनाज स्टेप डॉटर, शालिनी इज मीनाज स्टेप डॉटर, शालिनी जो है मीना की सौतेली बेटी है, सौतेली बेटी है। हाउ इज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी, लक्ष्मी का संबंध शालिनी से बताओ, डॉटर मदर, लक्ष्मी लक्ष्मी मदर है, मदर। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लक्ष्मी और मीना रोहन की वाइफ है, हाँ तो भाई दो भी वाइफ है उसकी, तो रोहन की दो वाइफ है, एक लक्ष्मी है, इधर बना लेते हैं लक्ष्मी को, ये ऐसे बना देते हैं, और एक है मीना, ठीक है। अब क्या बोला है कि शालिनी जो है वो मीना की स्टेप डॉटर है, मतलब शालिनी जो है मीना की सौतेली बेटी, अगर मीना की सौतेली बेटी है तो असली में बेटी किसकी होगी बताना भाई, लक्ष्मी की, लक्ष्मी की, अगर मीना की सौतेली बेटी है तो इसका मतलब लक्ष्मी की वो सगी बेटी होगी शालिनी। Yes, sir. तो इसने कि बताओ लक्ष्मी का संबंध शालिनी से बताओ, तो लक्ष्मी क्या मदर है उसकी, माँ का मदर है ना, क्लियर, आसान था देख लो क्वेश्चन बिल्कुल। बस यहाँ पे बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, जहाँ पे ये दो वाइफ आ गई ना ये कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे यहाँ पर। हो गया भाई क्लियर है, बोलो जल्दी। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमें लिखना क्वेश्चन जरा, राहुल्स मदर, राहुल की माता, राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर
राहुल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर. राहुल जो राहुल की माता इकलौती बेटी है मोनिका के पिता की. राहुल की माता इकलौती बेटी है मोनिका के पिता की. देन हाउ इज मोनिका's हस्बैंड. देन हाउ इज मोनिका's हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल. तो मोनिका के पिता का संबंध राहुल से एफ से क्या होगा. सॉरी रिलेटेड टू राहुल एफ में रिलेटेड टू राहुल. तो मोनिका का मोनिका के पिता का हस्बैंड का पति का संबंध राहुल से क्या होगा. फैमिली ट्री बनाओ इसका ध्यान से एक बार. फैमिली ट्री बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा. सर अंकल अंकल क्या सही हो सकता है. सर अंकल अंकल देखो फैमिली ट्री बनाना जैसे लिखा हुआ है. फैमिली ट्री बनाओगे बड़ा आसान हो जाएगा. राहुल's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर. जो राहुल की माता है तो ऐसे बना लेना. तो जो राहुल की माता है फादर 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 है राहुल की जो मदर है ऐसे बना लो भाई. राहुल की जो मदर है वो इकलौती बेटी है किसके मोनिका के पिता की. ठीक है एक मोनिका के पिता है ध्यान से समझना. मोनिका की एक समझना जरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये. मोनिका का एक फादर है उसकी ये इकलौती बेटी है. अब ध्यान से जरा मोनिका ही तो है. हाँ बस यही तो. जो राहुल की माता है वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है. अब बोला क्या है मोनिका के पिता की इकलौती बेटी. इसका मतलब मोनिका के पिता की इकलौती बेटी मोनिका खुद ही तो हुई. इसका मतलब जो ये मदर है ये मोनिका ही तो है. बोलो भाई क्लियर है जो बात बोल रहा हूं मैं ये. यस सर ठीक है ना. राहुल की जो माता है वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है. अब मोनिका के पिता की इकलौती बेटी ये है. अब मोनिका के पिता की इकलौती बेटी मोनिका खुद ही. इसका मतलब ये मोनिका ही है. तो इनडायरेक्टली हमें बता रहा है कि ये जो राहुल की माता है वो मोनिका है. अब इसने बोला हाउ इज मोनिकाज हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल. तो मोनिका अगर इसकी मदर है तो मोनिका के हस्बैंड बताओ भाई राहुल के क्या लगे. फादर. कई आपने कईयों ने आंसर बताया था अंकल. क्यों क्योंकि उन्होंने वो चीज अलग अलग कर दी. मगर वो जो मदर की बात कर रहा है ये मोनिका खुद है. ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत बच्चे अटकेंगे ऐसे क्वेश्चन में आकर. बात अगर आप ट्री बना लेते हो ना एक बार तो ट्री बनाकर आपसे क्वेश्चन बहुत आराम से होने शुरू हो जाते हैं. ट्री बना लो बस और कुछ नहीं करना. हो गया भाई. यस सर. चलो अगला क्वेश्चन देता हूं करो. लिखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है. ए इज द सन ऑफ बी. ए जो है वो बी का बेटा है. ए इज द सन ऑफ बी. C B sister. C जो है वो B की sister है. C B sister has a son D. C जो है B की sister है जिसका बेटा D है. And a daughter E. And a daughter E और एक बेटी है E. F is the maternal uncle. F is the
मैटरनल अंकल ऑफ डी. मैटरनल मतलब होता है मामा. एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मम्मी. तो ध्यान रखना एम फॉर मैटरनल मतलब मामा आएगा, ये चीज ध्यान रखना. एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी. एम जो है वो डी का मामा है. तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. तो ए का संबंध बताओ डी से. सेकेंड क्वेश्चन हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ. ई का संबंध बताओ एफ से. थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी नेफ्यूज. एफ के कितने भतीजे हैं. एफ के कितने भतीजे हैं. तीसरा क्वेश्चन बनाओ भाई इसका. क्वेश्चन बताता हूं हिंदी में. ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है, जिसका बेटा डी है और एक बेटी है ई. एफ जो है डी का अंकल मामा है. पहला क्वेश्चन है ए का संबंध बताओ डी से. दूसरा संबंध है क्वेश्चन है ई का संबंध बताओ एफ से. तीसरा क्वेश्चन है कितने एफ के भतीजे हैं. करो भाई. सर ये समझ में नहीं आया यहाँ पर. यहाँ पे सर पहले का डी है, पहले का भाई है और दूसरे का मामा है और थर्ड का सेकंड टू आंसर है. बहुत बढ़िया. कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ भाई. राम सिस्टर है. कहाँ सिस्टर. यहाँ ये लिखा है कि सी जो है बी की बहन है. सी बी की बहन है और उसका बेटा डी है. और ये जो एंड क्या लिखा है सर. ये एंड अ डॉटर ऑफ ई और ई की बेटी है. एंड अ डॉटर ई सॉरी. और देखो सी जो है बी की बहन है, उसका एक बेटा डी है और एक बेटी ई है. चलो भी देखो बनाता हूं इसको. देखना एक बार कैसे होगा. देखो भाई ए एंड बी आर ब्रदर्स सॉरी सन. ए इज द सन ऑफ बी. ए जो है बी का बेटा है तो बी को ऐसे बना लो और ए को नीचे बना लेना. ए इज द सन ऑफ बी. सी इज बीज सिस्टर. सी जो है बी की बहन है ये बोला गया है. तो सी जो है बी की बहन है. बी की बहन है एंड सन डी. और सी का जो सन है वो डी है और एक बेटी है ई. इसकी एक बेटी भी है ई. इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए. एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी. एफ जो है डी के मामा है. अगर एफ डी के मामा है इसका मतलब क्या है भाई. एफ डी के मामा है मतलब इसका भाई होगा. सी का भाई होगा नहीं होगा बताओ. सी का भाई होगा. ऐसे बना सकते हैं. बोलो भाई. यस सर. है ना. अब क्वेश्चन में बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. ए का संबंध बताओ डी से. बताओ भाई क्या लग रहा है. ए डी का कजन. कजन ये हो गया कजन. ठीक है क्योंकि ये इसकी बहन है, ये इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं तो दोनों कजन हो गए. ई रिलेटेड टू एफ. ई का संबंध बताओ एफ से. नहीं ई का संबंध बताना है एफ से. मैटरनल अंकल से. मैटरनल अंकल. ई क्या लगा. एफ लगा ना मैटरनल अंकल. तो ई क्या लगी. क्वेश्चन पढ़ो. ई रिलेटेड टू एफ. ये लगी थी नीस भतीजी भांजी. अरे लड़की है ना. हाँ हाँ सर. तो भांजी लगेगी ना उसकी एफ की. अगर क्वेश्चन में लिखता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई तो होता मैटरनल अंकल मामा. मगर बोला है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ. ई क्या लगा एफ की. ई क्या लगी तो ये नीस लग रही है. इंग्लिश में नीस कहते हैं, हिंदी में भांजी. क्लियर है भाई. बोलो. Yes, sir. अगला क्वेश्चन है एफ के नेफ्यू कितने हैं. सर दो. दो. एक तो ये है भाई, ये दोनों बहन है. मतलब ये बोला है कि बी सी बी सी जो है इसकी बहन है तो इसकी भी तो कुछ लगती होगी. तो एक नेफ्यू डी हो गया और एक नेफ्यू ए हो गया. इसका मतलब दो आएंगे. बोलो भी क्लियर है. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो. Yes, sir. आपको हाई लेवल तक करा दिया भाई ये वाले क्वेश्चन. अब आप कर लोगे पेपर में बड़े आराम से.
अब इसमें ना एक पार्ट बचा हुआ है आपका, जिसमें वो आता है पॉइंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन बोलता है कि वो उसका ये लगा। इसमें ना दो तीन टाइप है ना, उसमें भी दो तीन टाइप होते हैं पॉइंटिंग वाले भी, तो वो कराऊंगा आपको मैं। हाँ सारे वाले तो ठीक होते, लेकिन जो अपने आप को छुपा कर करते उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो हो जाएंगे सारे करेंगे, देखो जो अपने ऊपर आ जाए ना, जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा इसमें कि कैसे क्वेश्चन को पहचाना जाएगा, कि कैसे आपको कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो तो सीधा हो जाएंगे स्टेटमेंट पढ़ते ही, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको वो फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके सीधे पढ़ते ही आपको फैमिली ट्री भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा पढ़ते ही हो जाएंगे, मगर कुछ क्वेश्चन के लिए जो वो होते हैं ना, जिसमें आप कह रहे हो छिपाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको फैमिली ट्री से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही वो क्वेश्चन हो पाते हैं, तो उसके लिए फैमिली ट्री इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं, हमें आता है फैमिली ट्री, हम अच्छा पॉइंटिंग वाले ना अभी मेरे को क्वेश्चन इसमें बनाने पड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं पॉइंटिंग वाले, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो नेक्स्ट में ही कराऊंगा मैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आपको। मगर हाँ दिवाली, दिवाली कब के भाई, 14th की ना? यस सर। तो दिवाली को तो क्लास होगी नहीं फिर, अगर आप आ सको तो बता दो, दोपहर को ले लेंगे क्लास दिवाली के दिन, ले लो अगर आप लोग आ सको, कोई दिक्कत ना हो। दोपहर में नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दोपहर, क्लास तो शाम को हो ही नहीं सकती, दिवाली है शाम को कैसे होगी क्लास, कोई नहीं सर अगले दिन ले लेना, लेकिन दोपहर में मत लेना, ले लो सर अगर आ सको तो। चलो कोई नहीं, हाँ तो भाई जो भी होगी, कल आपकी नीतीश सर के साथ क्लास होगी, परसों मेरे साथ होगी, और ये जो इसके बाद जैसे खत्म हो जाएगा उसी क्लास में खत्म हो जाएगा, उसी क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा मिरर इमेज, वाटर इमेज, कटिंग, वेन डायग्राम, ये 5-6 टॉपिक एक साथ निपटाएंगे हम। वेन डायग्राम हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मतलब ये कितने टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक एक साथ निपटेंगे हमारे, ध्यान रखना छोटे छोटे टॉपिक हैं, इससे जल्दी हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा हमारा। रीजनिंग बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी हमारी, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं बहुत जल्दी खत्म होगी, ठीक है, मगर प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। बाकी मैं इसके क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, अभी ब्लड लेशन में पिछली बार भेज नहीं पाया, अभी जैसे ही आप क्लास बंद करेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ब्लड लेशन वाले, ठीक है, सारे क्वेश्चन भेज देता हूँ ब्लड लेशन के प्रैक्टिस। क्या सर, ऑल टॉपिक के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भेज दीजिए, उसकी पीडीएफ, या तो एक काम करो ना, वैसे नहीं है पीडीएफ, वो बुक आपके लिए है नहीं, मगर क्योंकि तो आपके पेपर में वो आएगा नहीं, उसमें से भी छांटने पड़ते हैं ना क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, पहले आप पहले जो जितने टॉपिक्स कराए उसकी तो प्रैक्टिस करो, मतलब उसमें से करो ना, वीडियो वगैरह है होगी आपके पास तो भेज की होगी, पुराने वो करो पहले एक बार, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा उसको, है ना। बाकी मैं अभी ब्लड रिलेशन का भेज देता हूँ उसके क्वेश्चन। डाइस भी नहीं हुआ ना हमारा एक टॉपिक, बताना भाई, डाइस नहीं हुआ, नो सर, तो इसमें डाइस भी ऐड करना है, डाइस टॉपिक भी, तो ये टॉपिक हम निपटाएंगे, मतलब जो भी अगली क्लास होगी वो जितने लंबी क्लास हो हम ये सारे टॉपिक एक क्लास में लेंगे। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बाकी कल नीतीश सर की क्लास होगी, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो शायद मैं ही लूंगा क्लास, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो चलो भाई फिर आज के लिए इतना छोड़ते हैं, अभी मैं भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ प्रैक्टिस।